सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब सक्सेस मंत्रा विच तुहाडा स्वागत है। पीएस टेट मास्टर कैडर और ईटीटी का जिहड़ा सैकंड पेपर होना है उसकी जो आप वीडियो स्टार्ट की सी तां ज्योग्राफी आप उस दे विच पढ़ रहे सी तां अज जिहड़ा टॉपिक आप पढ़ांगे वह है ड्रेन सिस्टम, मतलब भारत दीआं जिहड़ियां नदियां ने नदियां दे बारे आप पढ़ांगे। इंडियन ड्रेन सिस्टम, इंडियन रिवर्स एंड ड्रेन सिस्टम। ईटीटी का जिहड़ा सैकंड पेपर होना, खासकर ईटीटी का जिहड़ा सैकंड पेपर होना जिसकी डेट भी डिपार्टमेंट ने अनाउंस करती है, ठीक है जी, उसकी जिहड़ी डेट है डिपार्टमेंट वालों जारी हो गई है और पेपर जिहड़ा मार्च दे विच होना है, ठीक है जी। तो उसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप पहला भी बहुत कई वीडियो जिहड़ियां हैगा अपलोड कीतियां है चैनल दे उत्ते, तो तुसीं उह जाके देख सकते हो। तो ड्रेन सिस्टम आप इंडिया का करांगे, पढ़ते हैं जी। कहना कि अरुणाचल प्रदेश विच भारत विच प्रवेश करन समय केड़ी नदी नूं दिहांग कहा जाता है, ठीक है जी। हुण तुसीं क्योंकि मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया सी कि जब आप एमसीक्यू करते हैं तो चाहे उत्थे प्रश्न एक बनता है पर जो आप डिस्कशन करते हैं तो तुसीं उस दे विच बहुत सारिया चीजा कवर कर जाने हो, तुसीं उस दे विच बहुत सारिया चीजा सीख जाने हो। तो देखो सब तो पहला आप देखांगे कि बई अरुणाचल प्रदेश कितने है, ठीक है जी। तो अरुणाचल प्रदेश जिहड़ा है भारत के पूर्व में है, भारत के पूर्व के जिहड़ा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश की जिहड़ी राजधानी है वह है ईटानगर, की है जी, ईटानगर, ठीक है, ईटानगर भारत के पूर्व में लास्ट स्टेट है, स्टेट है, ठीक है जी। चीन और म्यांमार नाल जिहड़ा बॉर्डर शेयर करता है और यह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है जी। हुण इथों की है, कहिंदा कि इथों एक नदी एंटर करती है, तो आप उस नदी बारे जाणांगे। एक्चुअल दे विच की है कि तिब्बत दे विच भारत के उत्तरी जिहड़ा हिस्सा है, तिब्बत जो कि चाइना दे विच है, उत्थे एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। की है लेक का नाम की है जी? मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, ठीक है जी। और इथों एक नदी निकलती है, इथों एक नदी निकलती है जिसनों आप कह दें ब्रह्मपुत्र, जिसनों की कह दें जी आप ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर तो एक नदी निकलती है, ठीक है जी। और भारत पश्चिम पूर्व वल, पूर्व वल की करती है, चलती है और फिर अरुणाचल प्रदेश तो, अरुणाचल प्रदेश तो भारत च एंटर करती है और फिर अगे जाके वह बांग्लादेश दे विच जो पश्चिम वाली साइड तो गंगा आ रही है उहदे नाल की करती है, मिलती है और फिर दोनों नदियां जाके की करदियां ने, एक डेल्टा निर्माण करदियां ने और फिर वह जिहड़ी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी दे विच गिर जाती है। तो यह पूरी नदी की मैं तुहानूं स्टोरी दसदी कि एक नदी है जो कि जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र और वह मानसरोवर तो निकलती है। मानसरोवर कितने है? तिब्बत दे विच है और तिब्बत नूं तुहानूं पता है कि किसने कैप्चर कर रखा है? चाइना ने, इसलिए आप चाइना भी कह सकते हैं। उत्थे नदी निकलती है मानसरोवर लेक तो, इसनूं ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत दे विच कित्थों एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश चों और फिर अरुणाचल प्रदेश तो हुंदी हुई बांग्लादेश दे विच इसदा मिलाप किस नाल हुंदा है? जो पछम वाली साइड तो, जो पछम वाली साइड तो गंगा आ रही है, गंगा नाल इसका मिलाप हुंदा है। फिर बांग्लादेश दे विच की करती है? डेल्टा का निर्माण करती हैं दोनों नदियां और फिर बंगाल की खाड़ी दे विच गिर जाती है, ठीक है जी। तो हम प्रश्न यह पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश के जिहड़ी नदी भारत के प्रवेश करती है, एंटर करती है, उसनों दिहांग कहा जाता है, तो किहड़ी नदी है? तो वह किहड़ी है जी? ब्रह्मपुत्र। किहड़ी नदी है जी? वह ब्रह्मपुत्र है। हुण तुसीं इत्थों बहुत सारे प्रश्न कवर कर ले, तुसीं हुण प्रश्न तुहानूं एग्जामीनर यह भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नूं अरुणाचल प्रदेश के कहिंदे ने, तां की कहिंदे ने? दिहांग कहिंदे ने, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र जिहड़ी नदी है वह कित्थों निकलती है? मानसरोवर लेक तो निकलती है। फिर इस तों बाद ब्रह्मपुत्र जिहड़ी है गंगा नदी नाल कित्थे मिलती है? बांग्लादेश दे विच मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। सुंदरबन डेल्टा जिहड़ा है वह विश्व का सब तो बड़ा डेल्टा है। प्रश्न तुहानूं एग्जामीनर यह भी पूछ सकता है कि विश्व का सब तो बड़ा डेल्टा किहड़ा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किहड़ियां नदियां करदियां ने? किहड़ियां नदियां करदे ने? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी। और उस तो बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर किस दे विच गिरदियां ने? तो वह बंगाल की खाड़ी। तो तुसीं काउंट कर लो डियर
कि किन्ने प्रश्न तुसी कवर कर ले सिर्फ एक प्रश्न दे जरिए, है ना। तो नैक्सट चलो देखते हैं जी। नैक्सट डियर, संसार का सब तो बड़ा ड्रेन बेसन किसका है? तो संसार का सब तो बड़ा ड्रेन सिस्टम किसका है? एमेजॉन रिवर। केड़ी है जी? एमेजॉन रिवर है। और एमेजॉन किथे है? दक्षणी अमेरिका दे विच, अफ्रीका दे विच नहीं, अमेरिका दे विच। ठीक है जी, दक्षणी अमेरिका दे विच, साउथ अमेरिका दे विच यह, साउथ अमेरिका दे विच यह रिवर है एमेजॉन रिवर। जिहड़ी विश्व की सब तो बड़ी नदी है, मैं विश्व की सब तो बड़ी कह रहा हाँ, लंबी नहीं कह रहा, की कह रहा हाँ, बड़ी, सब तो बड़ी, लार्जेस्ट। ठीक है जी, लॉन्ग नहीं कह रहा मैं, दोनों के विच फर्क हुंदा। ठीक है जी, बड़ी बड़ी मतलब उहदे विच वाटर ऑफ वॉल्यूम, उहदे विच की आ पानी ज्यादा है। ठीक है जी, इसलिए आपां नूं की कहांगे कि विश्व की सब तो बड़ी नदी है केड़ी? एमेजॉन। किते है? दक्षिणी अमेरिका दे विच, अफ्रीका दे विच नहीं, दक्षिणी अमेरिका दे विच, साउथ अमेरिका दे विच। जेकर पुछ ले कि सब तो लंबी नदी केड़ी है, तो सब तो लंबी नदी जिहड़ी है वह है नील नदी। केड़ी है? नील नदी। नील नदी यह किथे है? अफ्रीका दे विच। किथे है जी? यह अफ्रीका महाद्वीप दे विच। क्लीयर हो गया? यह अफ्रीका महाद्वीप दे विच। मैं दोबारा फिर तो रिपीट कर रहा, दोबारा रिपीट करना मतलब यह है कि तुहानू चीजा जिहड़ियां ने और चंगी तरह याद हो जांदियां ने। ठीक है जी, बार बार जब रिपीट करते हैं क्योंकि आप बिहेवियरिज्म पढ़िया सी इस तो पहले पी एस टेट दे विच, है ना। तो बिहेवियरिज्म यही कहिंदा कि बार बार प्रैक्टिस करो। मैं तुहानू दस रहा कि जेकर पूछ ले कि विश्व की सब तो बड़ी नदी केड़ी है, बड़ी मतलब लार्जेस्ट नदी केड़ी है, तो तुसी कहोगे एमेजॉन। और एमेजॉन जो है वह कितने ने? दक्षिणी अमेरिका दे विच। और जे पूछ ले कि सब तो लंबी नदी केड़ी है, वह है नील नदी। केड़ी है? नील नदी। और नील नदी कितने है? अफ्रीका दे विच। क्लियर जी। नैक्सट, हेठ लिखे विचों केड़ा प्रायद्वीप दरिया पछम वल वगदा होया नदियां बनाउंदा है? जेकर हुण इत्थे देखो, इत्थे एक वर्ड आया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला। ठीक है जी, हुण मैं तुहानू पिछली वीडियोज़ दे विच दस्सिया सी कि प्रायद्वीप किसनू कहिंदे ने, और भारत दे विच प्रायद्वीप कित्थे है, प्रायद्वीप क्या किहनू कहिया जांदा, प्रायद्वीप किसनू बोलदे ने। तो मैं तुहानू दस्सिया सी कि जो धरती का हिस्सा, जो लैंड मास तीन तरफ तो पानी नाल घिरिया होवे, उसनू की बोलदे ने? प्रायद्वीप। द्वीप अलग, प्रायद्वीप अलग। द्वीप किसनू बोलते हैं? जो चारों तरफ, जो चारों तरफ तो पानी नाल घिरिया होवे उसनू की बोल देने? द्वीप बोल देने, आईलैंड बोल देने। पर जो तीन तरफ, सिर्फ तीन तरफ तो पानी नाल घिरिया होवे उसनू की बोल देने? प्रायद्वीप बोल देने। तो भारत दे विच जिहड़ा दक्षण वाला भाग आ भारत दा, उह की आ? प्रायद्वीप। तुहानू मैं दस्सिया सी कि इस दे एक पासे की आ अरब सागर है, पछम विच अरब सागर है, और पूर्व दे विच की आ? बंगाल की खाड़ी है। पूर्व दे विच बंगाल की खाड़ी है, और थले की आ? साउथ दे विच की है? हिंद महासागर। तां तीन तरफ तो पानी नाल घिरिया होया है, इसलिए इसनू की बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। हुण प्रायद्वीप नदियां ने, कुछ हिमालयन नदियां ने, अपन नदियां जिहड़ियां हैगियां, नदियां नूं दो हिस्सों दे विच वंड सकदे आ। एक जिहड़े हिमालयन नदियां जो हिमालय तों निकलदियां उत्तर दे विच, ठीक है जी, और एक प्रायद्वीप नदियां जो प्रायद्वीप दे विच निकलदियां ने, उत्तर दी नदियां और दक्षण दी नदियां, एवें भी आपां इन्हां नूं वंड सकदे आ। पर उह कहिंदा कि प्रायद्वीप नदियां जिहड़ियां कित्थे? पछम वल वगदी आ। हुण नदियां दी जिहड़ी इत्थे जिहड़ियां नदियां वगणगियां उहनां नूं की बोलांगे आपां? प्रायद्वीप। इत्थे भी दो चीजां ने, इत्थे दो चीजां ने जिहड़ियां, इत्थे भी दो चीजां ने, ध्यान नाल मैं तुहानूं समझाउणा। इत्थे हाँ, तो दो चीजा ने इत्थे देखो, एक एक ही है प्रायद्वीप, एक ही है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तो कुछ नदियां प्रायद्वीप दे विच की है? इत्थों निकलदियां ने इस तरफ बगदियां ने, इत्थों निकलदियां ने इस तरफ बगदियां ने। तो जेकर तुहानू दिशावां क्लीयर ने, जेकर तुहानू दिशावां क्लीयर ने, तो तुसी स्पष्ट रूप दे विच जान जाओगे, देख लोगे कि इत्थे की रोल। ठीक है जी, हुण इथों नदी निकली है, कोई भी नदी इथों निकली और इस तरफ बह रही है,
तो दिशा की है कि वो पश्चिम तो कि वो पश्चिम तो निकली है और किस बल बह रही है, पूर्व बल बह रही है, पूर्व बल बह रही है, पश्चिम तो पूर्व बल उसका बहा है। ठीक है जी, पश्चिम तो पूर्व बल उसका की है बहा है। ठीक है जी, ये सारी नदियां जिहड़ियां हैं पश्चिम तो पूर्व बल बहिंदियां ने, चार नदियां ने। ठीक है जी, महानदी, महानदी भी पश्चिम तो निकलती है और पूर्व बल बहिंदी है, फिर उस तो बाद महानदी तो बाद गोदावरी, फिर उस तो बाद कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियां जिहड़ियां हैंगा ये पश्चिम तो निकल के पूर्व बल बहिंदियां ने, पश्चिम तो निकल के पूर्व बल बहिंदियां ने। ठीक है जी, हुण कुछ नदियां इस तरह दियां भी ने, कुछ नदियां जिहड़ियां इस तरह दियां ने जिहड़ियां की है जिहड़ियां पूर्व तो निकल दिया, पूर्व तो निकल दिया ते पश्चिम वल बहिंदियां, पूर्व तो निकल दिया पश्चिम वल बहिंदियां। इहदे विच मेनली दो ही रिवर्स ने, दो ही नदियां, एक नर्मदा, एक नर्मदा इत्थों प्रश्न हरेक बार आउंदा, और दूसरी जिहड़ी है वह है ताप्ती। ठीक है जी, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां जिहड़ियां कित्थों निकलदियां ने, पश्चिम दे विचों, पूर्व चों निकलदियां ते पश्चिम वल की करदियां ने बहिंदियां ने। ठीक है जी, हुण उसने प्रश्न की पुछिया तो कुल मिला के प्रायद्वीप दे विच पंज नदियां, कुल मिला के प्रायद्वीप दे विच कितनियां होंगा, पंज नदियां होंगा अपने कोल। ठीक है जी, उपर की है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इधर नर्मदा और ताप्ती, इन्हां दे विचों चार नदियां जिहड़ियां है वह की करदियां ने, वह पूर्व दे विचों पश्चिम तो निकलदियां ने, पूर्व पूर्व वल बहिंदियां ने, और दो नदियां जिहड़ियां पूर्व चों निकलदियां पश्चिम वल बहिंदियां ने। हुण उसने प्रश्न की पुछिया है कि प्रायद्वीप नदियां जां दरिया पश्चिम वल बगदा होया नदी बणाउंदा है, पश्चिम वल बगदा होया, पश्चिम वल बगदा मतलब इस तरफ बगदा है, इन्हां दे विचों किहड़ा जिहड़ा इस वल बगदा है, कृष्णा ये तो किस वल बगदी है, तो पूर्व वल बगदी है, महानदी यह भी पूर्व वल बगदी है, गोदावरी यह भी पूर्व वल बगदी है, तो तापी, तापी नहीं ताप्ती। ठीक है जी, तो तापी नदी जिहड़ी हैगी आ वह किस वल बगदी है, किस वल बगदी है, वह जिहड़ी पूर्व वल पश्चिम वल बगदी है, और उसने यही पूछा कि पश्चिम वल बगदी है, तो राइट आंसर अपना की हो गया ताप्ती। क्लियर, आई थिंक तुसीं इस चीज़ नूं बहुत बहुत चंगी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, इन्हां विचों किहड़ी नदी नकली है, नकली मतलब आर्टिफिशियल वूमन मेड जिहड़ी हैगी आ मानव द्वारा निर्मित नदी किहड़ी है, सांबर नैचुरल आ, चिल्का नैचुरल आ, पुलिकट नैचुरल आ, और जिहड़ा राणा प्रताप सागर है यह की आ आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है। नैक्सट, प्रायद्वीप नदियों विचों किहड़ी नदी नूं दक्षण गंगा कहा जाता है, प्रायद्वीप नदियां पहला तो यह देखो कि सारिया प्रायद्वीप नदियां हैगियां कि नहीं, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि महानदी भी प्रायद्वीप आ, कृष्णा भी, गोदावरी भी और ताप्ती भी, तो इहदे विचों किहड़ी दक्षणी गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी जिहड़ी दक्षणी गंगा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इहदे विच सारा मतलब पानी ज्यादा रहिंदा है, इहदे विच सारा साल पानी बगदा रहिंदा है, इसलिए इसनूं की कहा जाता है, दक्षण भारत की गंगा कहा जाता है। क्लीयर, किसनूं, गोदावरी। नैक्सट देखो, नदी की लंबाई का कर्म इन्हां विचों किहड़ा सही है, तो किहड़ा नदियां का हुण देखो कर्म किहड़ा सही है इन्हां दे विचों। ठीक है जी, सब तो लंबी जिहड़ी हैगी है देखो इत्थे सब तो लंबी गंगा, गंगा तो बाद गोदावरी, गोदावरी तो बाद कृष्णा और फिर जमुना। ठीक है जी, तो यह इसका की है राइट आंसर है। ठीक है जी, सब तो लंबी जिहड़ी गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर जमुना। क्लीयर, तो यह इन्हां दा की है सिक्वेंस। फिर इन्हां विचों किहड़ी नदी छोटा नागपुर पठार नाल बगदी है। ठीक है जी, छोटा नागपुर ना तो दमोदर नदी है, दमोदर नदी है, तुहानूं मैं पहले दस दिंदा इत्थे देखो दमोदर नदी जिहड़ी हैगी आ, छोटा नागपुर का पठार इत्थे है। ठीक है जी, और दमोदर नदी जिहड़ी हैगी आ इत्थे ही बगदी है, तो दमोदर नदी जिहड़ी हैगी आ, वैसे भी देखो गोदावरी तो उपर है ना, गोदावरी तो इत्थे नीचे है। ठीक है जी, फिर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इधर हैगी आ, फिर चंबल, चंबल इत्थे हैगी आ, तां छोटा नागपुर की नदी जिहड़ी हैगी आ दमोदर ही है। क्लीयर, नैक्सट अगला प्रश्न, कोयना, तुंगभद्रा और भीम नदियां विचों केड़ी नदी नदियां दी मुख सहायक नदियां हैं, तो केड़ियां दी है जी, केड़ी दी है जी, कृष्णा। तो तुहानूं पता सहायक नदियां किहनूं कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज किसनूं कहा जाता है, जब छोटिया नदियां जिहड़ियां छोटिया नदियां होंदियां वह वड्डी नदी दे विच आके मिलदियां ने तां उहनां नूं सहायक नदियां कहा जाता है, जिवें गंगा दी सहायक नदी की है जमुना। क्लीयर, जिहड़ा जिहड़ी सिंध नदी है, सिंधु दरिया जिसनूं बोल दिंदे आ, जां सिंध सिंधु नदी बोल दिंदे आ, उस दीआं सहायक नदियां किहड़ियां किहड़ियां, गंगा, जमुना, सॉरी गंगा जमुना नहीं, जेलम, चनाब, राबी, ब्यास और सतलुज, इह की ने किहदियां किहदियां सहायक नदियां, इह सिंध नदी दीआं सहायक नदियां। छोटियां नदियां जद वड्डी नदी दे विच
मिलदियां ने जाके, तो छोटिया नदियां की कह जाता सहायक नदियां कह जाता है। तो यह जी कोयना तुंग भद्रा और भीम कि सहायक नदियां ने कृष्णा दियां, क्लियर। और कृष्णा कितों की नदी आ, प्रायद्वीप की नदी है, दक्षणी भारत की नदी है। और किस तो किद किस दिशा तो किस दिशा वाल चलती है, पछम तो निकल के पूर्व वाल बगदी है। और कितने डिगदी है, कितने जाके डिगदी है, यह बंगाल की खाड़ी के जाके डिगदी है। तो आई थिंक तुम इस चंगी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, साबरमती नदी केड़े भारतीय राज तो उत्पन्न होंगी है। तो साबरमती नदी जी है राजस्थान तो जी है यह निकलती है और फिर गुजरात च होंगी हुई अरब सागर के गिरती है, ठीक है जी। इतो देखोगे तुम एवं इतों राजस्थान चो निकल के है गुजरात चो होंगी हुई अरब सागर के गिर जाती है, क्लीयर जी। नैक्सट अज का लास्ट प्रश्न है, भारत की कि नदी को बिरद गंगा कहा जाता है, फिर तो दोबारा तो ही आ जाता, तो गोदावरी बिरद गंगा कहा जाता है, ठीक है जी। तो यह नदियों बारे अच्छा अगे भी प्रश्न है, ओके हाँ अगे प्रश्न है जी, हाँ अगे कहते हैं डेल्टा तो बिना सब तो वड्डी नदी है, डेल्टा तो बिना। तो मैं तुम्हें दसदा इतने एक चीज ये मैं होर ऐड करदा कि जेड़िया नदियां पछम चो निकल के पूर्व वल चलदियां ने और यह जेड़िया बंगाल की खाड़ी के गिरदियां ने, जेड़िया नदियां चारों नदियां बंगाल की खाड़ी के गिरदियां ने और डेल्टा का निर्माण करदियां ने, वह की करदियां ने डेल्टा का निर्माण करदियां ने। जिहड़ियां नदियां पूर्व तो निकल के पछम वल चलदियां ने, पूर्व तो निकल के पछम वल चलदियां ने, ठीक है, और अरब सागर के गिरदियां ने, अरब सागर के गिरदियां ने, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करदियां, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करदियां। तो आप पढ़ा सी कि दो नदियां जिहड़ियां ने वह अरब सागर के गिरदियां ने, किहड़ियां किहड़ियां, नर्मदा नर्मदा और ताप्ती, ठीक है जी। तो आप इहदे विच देखदे हां डेल्टा तो बिना सब तो वड्डी नदी किहड़ी है, नर्मदा ताप्ती, वह दोवें इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो डेल्टा तो बिना सब तो वड्डी नदी पुछया तो वड्डी नदी की है नर्मदा, क्योंकि नर्मदा वड्डी है ताप्ती छोटी है, ठीक है जी। तो सब तो वड्डी पुछया तो इसलिए नर्मदा। जेकर यह आ जाता किहड़ियां नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करदी करदियां, तो फिर आप दोनों के उत्ते टिक लाना सी, क्योंकि दोनों नदियां ही डेल्टा का निर्माण नहीं करदियां। अगला प्रश्न है जी, इस हेठ लिखे प्रोजेक्ट के पानी नूं भारत अते नेपाल देशां विच सांझा किया जाता है, किहड़ा किया जाता है जी, ठीक है जी, कोसी, ठीक है जी। तो कोसी का एक प्रोजेक्ट आ, कोसी जिहड़ी हैगी आ उह नेपाल और भारत दे विच की आ एक प्रोजेक्ट बनया है और उहदे विच दोनों का पानी की किया जाता सांझा किया जाता है। अगला प्रश्न अलकनंदा ते भागीरथी दे संगम दे दा स्थान इन्हां विचों केड़ा स्थान है, भी जिथे अलकनंदा और भागीरथी का मेल हुंदा है, ठीक है जी। क्योंकि गंगा तो पहला बहुत सारे जिहड़े देव का निर्माण हुंदा है, बहुत सारे प्रयागों का निर्माण हुंदा है, ठीक है जी। तो हुण किहड़ा किस प्रयाग के उत्ते अलकनंदा और भागीरथी का मेल हुंदा है, तो इहदा राइट आंसर है देव प्रयाग ते, ठीक है जी। देव प्रयाग ते अलकनंदा और भागीरथी का सुमेल हुंदा है। तो इतने मैं तुम्हें दिखाना चाहना, देखो जी ये सारी की है जमोत्री जिथों निकलदियां ने, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हम तुम देखो भी यह जी नदी है, यह नीला जिहड़े कलर के जी रिवर है दिख रही है, एक है जी अलकनंदा, कि नदी है जी यह अलकनंदा, ठीक है जी। और इस दे विच आके बहुत सारिया नदियां मिलनगियां, ठीक है जी। जिवें देखो इधरों आई थोड़ा दिख नहीं रहा मैनू, इधरों आ धौली गंगा, ठीक है जी। धौली गंगा जब आके अलकनंदा दे विच मिली तो इसनों की कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है जी। और इस तो बाद जो नंदाकनी आके मिलती है, ठीक है जी, अलकनंदा दे विच तो इसनों कहते हैं नंद प्रयाग। इस तो अलावा जब पिंडर गंगा जो आके मिलती है, पिंडर गंगा जो आके मिलती है तो इसनों की कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है जी। फिर उस तो बाद जब आके चो मंदाकनी आके मिलती है इस दे विच अलकनंदा दे विच तो उसनों बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और इस तो बाद जब भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा दे विच तो उसनों की बोलते हैं देव प्रयाग। और अपने तो प्रश्न यह पूछा गया सी कि जब अलकनंदा दे विच भागीरथी आके जिस स्थान पर मिलती है तो उसनों की बोलते हैं देव प्रयाग, क्लीयर जी, क्लीयर। आई थिंक तुम्हें चंगी तरह क्लीयर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखो,
भारत विच यारलंग सांगपो नदी नू केड़े नाम नाल जाणिया जांदा है? तां ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नू तिब्बत दे विच किस नाम नाल जाणिया जांदा है? सांगपो। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र नू किस नाम नाल जाणिया जांदा है? तिब्बत दे विच सांगपो। अरुणाचल दे विच, अरुणाचल दे विच किस नाम नाल जाणिया जांदा? मैं शुरू दे विच पहला प्रश्न कराया सी, कमेंट करके दसना मैनूं। अज के प्रश्न से जी, आई थिंक तुसी बहुत चंगी तरह इन्हें समझ गए होंगे, तुहानू चंगी तरह पता लग गया होगा। तो आप अगे भी इस तरह की वीडियो लैके आनी ने, तुहाडी प्रॉपर तैयारी करवानी है जी। तो नैक्सट वीडियो दे विच मिलांगे आप नवे टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच।